पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रवामा सूबा बलूचिस्तान में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया। सियासी जमात को एक और कामयाब कन्वेंशन के इनेकाद से रोकने के लिए पीटीआई को मुख्तलिफ हथकंडों का सामना करना पड़ा। फिर भी कारकुनों के अज़्म के सामने मुसल्लत शुदा फस्ताई हुकूमत के तमाम हरबे रेत की दीवार साबित हुए। पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत को कन्वेंशन में शिरकत से पहुंचने से कबल ही गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी जगह पीटीआई की कोर कमेटी की जानिब से वकील मोहम्मद शुएब शाहीन को शिरकत के लिए भेजा गया। ताहम एडवोकेट शुएब शाहीन को भी क्वेटा एयरपोर्ट पर रोका गया और कहा गया कि वो वापस चले जाएं, वरना उन्हें भी हिरासत में ले लिया जाएगा। शुएब शाहीन की वापसी पर भी हुकूमत ने शेर अफजल मरवत को गैर कानूनी तौर पर कैद में रखा। ताहम उनको अगले रोज रहा कर दिया गया। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं सलाखन काकर अर्ज कर रहा हूँ कि जी बलूचिस्तान की जनरल सेक्रेटरी। आज हमारी कन्वेंशन है अभी हरनाई में, हमारे पास मरकज से शुएब शाहीन साहब आ रहे थे, तो उससे पहले शेर अफजल मरवत साहब आ रहे थे, उनको कल जो है ना लाहौर में पकड़ लिया गया था, और अभी शुएब शाहीन साहब आ रहे थे तो उनको एयरपोर्ट के अंदर ही डिटेन कर लिया गया था, ऊपर लाउंज में क्वेटा एयरपोर्ट पर, और उनके पास जो है ना गए हैं कि आपके पास दो ऑप्शन है, या आप वापस चले जाएं, या हमारे पास जो है ना 3 MPU का ऑर्डर है, फिर हम आपको डिटेन करते हैं। तो ये जहां भी बलूचिस्तान में बाकियों को बकरा मंडियां सजा कर दी जा रही है, बड़े बड़े होटलों में इमरान खान के नाम से लोग इतने खायफ हैं, इमरान खान के वकीलों को भी आने नहीं दिया जा रहा, एक को कल डिटेन किया, एक को आज जो है ना वापस कर दिया गया सर। तो हमने मरकज से बात की और मरकजी हिदायत के मुताबिक हम रवाना हैं अपने कन्वेंशन की तरफ। हमारे कन्वेंशन इंशाल्लाह हर हाल में होंगे, चाहे हमें भी पहुंचने देते हैं या नहीं देते हैं, हमारे वर्कर्स जो है ना एक खान के हुक्म पे मरकज के हिदायत के मुताबिक अपने कन्वेंशन अपने वक्त पे करेंगे, और इंशाल्लाह हम रवाना हैं। हमारी भी पूरी कोशिश होगी कि हम लोग पहुँचे अपने दोस्तों के पास, तमाम कन्वेंशन वक्त पे होंगे, पूरी तैयारियां करें इंशाल्लाह। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। पशियन में गुज़श्ता रोज होने वाले वर्कर्स कन्वेंशन में डीसी डिस्ट्रिक्ट पशियन के रिटर्निंग ऑफिसर ने कन्वेंशन के लिए लगाए गए स्टेज और कुर्सियां जब्त कर ली। पीटीआई के कारकुनों ने फर्श पर बैठकर कन्वेंशन में शिरकत को यकीनी बनाया, और इस बार हरनाई में कन्वेंशन के लिए मक्तस मैदान में रिटर्निंग अफसरान की जानिब से पानी छोड़ दिया गया। कन्वेंशन के मुकाम पर जाने वाले काफिले को भी पुलिस ने रोका और कारकुनों को हरासा किया। इस तरह से उन्होंने गैर जरूरी ताकीद की हर मुमकिन कोशिश की। पीटीआई वर्कर्स कन्वेंशन को रोकने के उन तमाम तरीकों के बावजूद बलूचिस्तान के अवाम ने एक बार फिर ऊंचे हथकंडों को नाकाम बना दिया और एक शानदार कन्वेंशन का इनेकाद किया।